अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के फरवरी सीजन का आज का सवाल, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? ए राष्ट्रीयता, बी आत्मनिर्भरता, सी गौरवशाली या डी अभिनंदन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मिनी गन फैक्ट्री का किया गया उद्भेदन, अर्धनिर्मित चीजों के साथ दो लोगों को किया गया गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक के सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया एवं सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष गोराडी को निर्देशित किया गया। वहीं इस आदेश के आलोक में गोराडी थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं गोराडी थाने में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह मदन मोहन यादव के द्वारा ग्राम नदिया में प्रीति के घर पर 4 फरवरी को रात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक कापुरी चाची के घर से 315 का देसी राइफल, एक नया देसी पिस्तौल, 2 गोली एवं विदेशी शराब के साथ पुलिकांति पिता सहदेव को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ के क्रम में काफी अन्य चीजों के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है। एशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। भागलपुर के नाथनगर में बीज दुकानदार पर गोलीबारी, बाल बाल बचे दुकानदार। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी स्थित कुशवाहा खाद बीज भंडार दुकान पर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे के करीब एक बदमाश ने दहशत फैलाने के मकसद से दुकानदार पर गोलीबारी कर दी। हालांकि दुकानदार बलवीर कुमार बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पर 2 थाने की पुलिस के साथ नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है। मेरे साथ आया, हम दुकानदारी कर रहे थे, हम एक दुकानदार है, डायरेक्ट आया गोली और बम, गोली से हमला कर दिया, बम से भागते हुए छुपते हुए भाग गया, बम से भी हमला किया लेकिन बम हम तब तक बच के निकल चुके थे, डायरेक्ट गोली चला दिया मेरे। क्यों चलाया गोली? रुपेश यादव है, राघोपुर का है। क्यों चलाया गोली आपके ऊपर? अब क्या लेने देने था, कुछ नहीं, डायरेक्ट आया गोली चला दिया हमको। कुछ बातचीत नहीं हुआ? कोई बातचीत नहीं था उससे। पहले से कोई दुश्मनी आपसे? कोई दुश्मनी नहीं था, पहले हम लोग का खाद उद उतारता था दुकान में। अच्छा, उसके बाद कोई से कब से खाद उतारना बंद किया है? वो 3-4 साल पहले। 3-4 साल? क्रिमिनल है रुपेश यादव? हाँ, पूरा क्रिमिनल, दहशत है मार्केट में। 5-6 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे बंद हो जाता है पूरा बाजार। अब तक कितने लोगों पे गोली चलाया होगा इस बाजार में? ये तो पता नहीं है लेकिन गोली बराबर चलाते रहता है, डिमांड करता है। जान का डर हो गया? हाँ, पूरा जान तो जान पर हमला कर दिया। कभी भी दोबारा भी करता? हाँ। परिचय दीजिए। मेरा नाम बलवीर कुमार। किस चीज़ का दुकान है? खाद बीज का दुकान है। कितने साल से है स्टेशन रोड? 20 साल से है हमारा। नवगछिया, चुनावी रंजिश में मुखिया पुत्र को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। छत पर धूप सेकने के क्रम में अपराधियों ने पेड़ पर चढ़कर चलाई गोली। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा शर्मा टोला में मुखिया कदम देवी के पुत्र कुमार गौरव उर्फ कुमुद शर्मा 35 वर्षीय को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। कुमार गौरव को गोली पीठ में लगी है। घटना के तुरंत बाद उसे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन घायल गौरव को उसके परिजन इलाज के लिए पूर्णिया लेकर गए और देर शाम सूचना मिली है कि गौरव को पूर्णिया से इलाज के लिए बेगूसराय ले जाया गया। घटना का कारण चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। घटना में पकरा गांव के
साथ ही अपराधी राज किशोर राय उर्फ बिलरिया उर्फ झोटाना का नाम सामने आया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को दोपहर में खाना खाने के बाद गौरव छत पर धूप सेकने गया था। घर के पास ही एक आम के पेड़ पर चढ़कर अपराधियों ने गौरव को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही परिजन छत पर गए तो वहाँ गौरव गिरा पड़ा था। मुखिया कदम देवी ने बताया कि करीब 2 माह से गांव का ही सातिर अपराधी उसके पूरे परिवार को मुखिया चुनाव में खड़ा न होने अन्यथा 5 लाख रुपए की रंगदारी देने की मांग कर रहा था। करीब 12 बजे पहले मुखिया के मुंशी श्याम शर्मा के साथ भी बिलरिया ने मारपीट किया था। उस वक्त मामले को ग्रामीण स्तर से पंचायती कर सुलह करवा दिया गया था। मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी में कुल 8 लोगों राजकिशोर राय उर्फ बिलरिया उर्फ झोटाना, रामचंद्र राय, सोहन राय, ललन राय, मलिक राय, नीरो राय, डोको राय को नामजद किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है, जिसे देखते हुए घटना के तुरंत बाद नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार और नौगछिया के थाना अध्यक्ष दरोगा शैलेश कुमार पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे थे। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की सूचना उन लोगों को मिल रही थी। उन्होंने कहा कि मामला चुनावी रंजिश का ही है, मुखिया कदम देवी या फिर उनके कोई परिजन चुनाव न लड़े, अपराधी इसके लिए दबाव डाल रहे हैं। मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। पारिवारिक घटना, ये मुखिया जी का बेटा घायल है, क्या मामला है सर? ये 2-4 दिन से टेंशन बना हुआ है और आपस में झगड़ा झंझट हो रहा था। आवेदन भी दोनों तरफ से पड़ा हुआ है, उसका भी जांच हो ही रहा था। आज सुबह में पता चला है कि गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें मुखिया जी हैं उनके लड़का घायल हो गया है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। कंडीशन ठीक ठाक है अभी और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है, अपराधियों को धर पकड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या मामला प्रकाश में आ रहा है, किस कारण से हुई? ये पंचायत चुनाव को लेकर के ही टेंशन है और आपको लगता है कि विपक्षी जो हैं वो इनको डराना धमकाना चाह रहे हैं, चुनाव में खड़ा नहीं हो इस तरह से कुछ न कुछ भय पैदा करना चाह रहे हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि इस सब चीज़ ना हो। कितनी गोली लगी है, कहाँ पे गोली लगी, इस तरह का जानकारी? अभी जो पेशेंट को हम लोग नहीं देखे हैं, इसलिए कि अनुमंडल अस्पताल से तुरंत रेफर कर दिया गया था तो पूर्णिया चले गए हैं। तो सुनने में जो परिजन बता रहे हैं कि उनकी पीठ में या कमर के आसपास में गोली कहीं लगा हुआ है, तो अभी एक टीम निकल गई है, उनसे बयान लेके फिर आपको बता पाएंगे। सर कितने लोगों के नाम या आज तक आ रहा है अपराधी का? अभी आवेदन इनके द्वारा दिया जा रहा है, दिया नहीं गया है, लेकिन 8-10 लोगों के शामिल होने की बात इनके द्वारा बताया गया। किस तरह से घटना किया गया, कहाँ से घटना किया गया? घटना तो ये बता रहे हैं कि अपने घर पर ही थे और अपराधी पीछे छुपे हुए थे जहाँ से गोलीबारी की घटना हुई है। हम लोग तो हालांकि वहाँ पर एविडेंस तलाश करने का कोशिश किए हैं तो कोई खोखा वगैरह नहीं मिल पाया, तो छापामारी जारी है, अगर कुछ इसमें और आता है तो बताते हैं। धन्यवाद। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया के जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक रिंग बांध का कार्य शुरू। 30 करोड़ की लागत से बनना है रिंग बांध। जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक बनने वाले रिंग बांध का कार्य गुरुवार को शुरू कर दिया गया है। नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार, DCLR परमानंद शाह, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता की मौजूदगी में 0 पॉइंट से कार्य शुरू किया गया है। मौके पर पदाधिकारियों ने जमीन मालिक किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन लोगों के मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। मालूम हो कि इस्माइलपुर से जाह्नवी चौक तक रिंग बांध का कार्य 30 करोड़ की लागत से किया जाना है। मालूम हो कि पिछले वर्ष भी इस बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया था, लेकिन जमीन मालिकों को मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण कई बार कार्य प्रभावित हो गया। इस बार समय से शुरू हुआ है, इसलिए उम्मीद है इस बार बांध निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इस्माइलपुर प्रखंड के 5 पंचायतों के साथ साथ नौगछिया के जगतपुर और खगड़ा पंचायत के कुछ हिस्से में हो रहे लोगों को बाढ़ और कटाव से मुक्ति मिलेगी। नवगछिया, बेटी हो तो ऐसी, पिता का दर्द देखा नहीं गया तो बेटी ने कर दिया वेजिटेबल पिकर का आविष्कार। आसपास के किसान मनीषा से सस्ते बोली पर खरीद रहे हैं वेजिटेबल पिकर। यह कहानी नौगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड के सीमांत गांव सदवा दियारा की 7वीं कक्षा की छात्रा मनीषा की है। मनीषा के पिता उत्तम सिंह एक छोटे किसान हैं और पशुपालन के साथ साथ सब्जियों की खेती करते हैं।
बैगन तोड़ने के क्रम में अक्सर मनीषा के पिता के हाथों में जख्म हो जाता था। जख्म ने धीरे धीरे घाव का रूप ले लिया और उत्तम सिंह बैगन तोड़ने में असमर्थ हो गए। पिता के दर्द को देखते हुए 4 माह के अथक प्रयास से एक यंत्र का आविष्कार किया जो मनीषा के पिता के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। मनीषा अपने इस यंत्र को सब्जी तोड़ने वाला मशीन कहती है, लेकिन मनीषा के स्कूल टीचर ने इस मशीन का नाम दिया है वेजिटेबल पीकर। आइए जानें क्या है वेजिटेबल पीकर। कुछ सब्जियों को तोड़ने में किसानों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप बैंगन निरंतर तोड़ने के क्रम में हाथों के जख्मी हो जाने का डर रहता है, तो दूसरी तरफ शरीर में बैंगन के पत्ते या फिर तने सटने से एलर्जी या फिर खुजली की बीमारी हो जाने की संभावना रहती है। सामान्य किसान सब्जियों को तोड़ने के लिए ग्लव्स या फिर अन्य परिधानों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ कुछ पौधे इतने बड़े और घने होते हैं कि हाथों से तोड़ना मुश्किल होता है। ऐसे पौधे को चौड़ाई के वक्त क्षति हो जाने की संभावना होती है। पौधे से जमीन पर गिर गए सड़ी गली सब्जियों को चुनने में संक्रामक रोगों का खतरा रहता है। ऐसे में सब्जी तोड़ने की समस्या को बिना किसी परेशानी के दूर करने वाले यंत्र को वेजिटेबल पिकर का नाम दिया गया है। मनीषा ने प्लास्टिक के डंडे में स्प्रिंग, कैंची और लोहे को अलग अलग आकार में कटवा कर इस यंत्र में सेट किया है। डंडे में हाथ के पास 2 बटन है। एक बटन दबाते ही यह यंत्र को पौधे में लगी सब्जी को काट कर पकड़ लेता है और फिर दूसरा बटन दबाते ही यह यंत्र सब्जी को छोड़ देता है। इस यंत्र में कई तरह की सब्जियां और फलों को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसको बाजार से ला के लोहार से बनवा के दिए तो इसको सेट नहीं हुआ सर, फिर बोला कि नहीं हुआ सेट, फिर बना के दीजिए हमको। हम इसके ऊपर गुस्सा भी हो गए सर कि क्या तुम बार बार हमको कहते रहते कि ये लाओ वो लाओ, ये सेट नहीं होता वो नहीं होता है सेट। तब इसको हम जो है कि साथे में ले गए सर कुर्सेला लोहार के पास, तब इन्होंने ये कागज पे नक्शा बना के दिया लोहार को कि हमको इस ढंग का जो है कि घोड़ा बना के दीजिए। तब ये उसको समझाया, उस ढंग से घोड़ा बना के दिया तो उसको उसमें सेट किया सर। तो यही मशीन बनाया है, तो बना जब लिया तो इससे जब ये बैगन तोड़ने लगी तो सही काम करने लगा। हम भी इससे लेके बैगन तोड़ते हैं तो जो है कि अच्छा लगा तोड़ने में, तो हमारा भी मन जो है कि भीतर से कुछ गदगद हो गया जो है। तो बहुत अच्छा लगता है। सब आदमी जो है आपके बेटी का तारीफ कर रहा है, तो अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा वाली की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, मैंने इस यंत्र को इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बैंगन का खेती करते हैं, कभी कभी साथ में मुझे भी जाना पड़ता है और बैंगन हाथ से तोड़ना पड़ता है। कई बैंगन के गाछ में कटा होता है तो कई बैंगन का गाछ लंबा होता है जिसमें कि हाथ नहीं पहुंचता है। कई बैंगन काना होता है तो कई बैंगन पर पिल्लू घुलता है, कई बैंगन सरागला होता है। बैंगन को तोड़ने में हाथ से डर लगता है, हाथ पर पिल्लू चढ़ जाता है, सरागला बैंगन हाथ में लग जाता है, सरागला बैंगन नीचे गिर जाता है जमीन पर, उससे उठाने में घिन लगता है और बैंगन का खेत साफ रखना पड़ता है। काना बैंगन तोड़ने में, सरागला बैंगन नीचे से उठाने में, सरागला बैंगन हाथ में लग जाता है, पिल्लू सड़ जाता है, पिल्लू हाथ पर चढ़ जाता है जिससे कि घिन तो लगता है, घबराने का भी डर रहता है, कई बार तो हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि बैंगन तोड़ने वाला यंत्र या सरागला बैंगन नीचे से उठाने वाला यंत्र बनाऊंगी जिससे कि लंबा गाछ का बैंगन, कटीला गाछ का बैंगन, नीचे से सरागला हुआ चीज उठा लूंगी, तोड़ लूंगी, लेकिन हाथ नहीं लगाऊंगी। इसीलिए मैंने इस यंत्र का निर्माण किया हूँ, इस यंत्र से ही किसान बाबू का फायदा होगा। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, बैगन तोड़ के दिखाओ तो मनीषा कुमारी। देखिए बैगन को मनीषा कुमारी आपके सामने सरलता पूर्वक सुगमता पूर्वक तोड़ लिया। ठीक है, रखो इसको। तो आपने देखा कि एक छोटी सी छात्रा मध्य विद्यालय चापर दियारा की
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के सराफ कॉलेज में 3 दिनों से हो रही है अवैध वसूली, छात्रों का विरोध जारी। बनारसी लाल सराफ कॉमर्स कॉलेज नवगछिया में स्नातक पार्ट वन की होने वाली परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा दिए जा रहे आवेदन में प्रति छात्र 100 रुपए की अवैध वसूली 3 दिनों से जारी है, जिसे लेकर छात्राओं के विरोध करने पर उसे रजिस्ट्रेशन शुल्क की बात बताकर हटा दिया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग से लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मौके पर पिंकी कुमारी, रेणु कुमारी, पुष्पा कुमारी एवं खुशबू कुमारी इत्यादि दर्जनों छात्राओं ने बताया कि हमसे 400 रुपए लेकर 300 रुपए की रसीद दी गई है। हम घर पर हिसाब क्या देंगे या पूछने पर महाविद्यालय के कर्मियों द्वारा जबरन बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वहीं इस मामले में प्राचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन कुछ भी बोलने से परहेज कर गए। रुक जाइए, कितना लिया पैसा? 400 रुपए। कितना का रसीद दिया? 300 का दिए इनका। रसीद 300 का काहे दे रहे हैं? रजिस्ट्रेशन का इसमें काहे नहीं लिख रहे हैं? देखिए कि ये 300 का रसीद काटा गया है। क्या है प्रिंसिपल हो? और ये नईमुद्दीन, और ये जो है 400 रुपया लिया जा रहा है यहाँ पे। ढोलबज्जा, वर्षों से MBBS का राह देख रहे ढोलबज्जा अस्पताल को मिला डॉक्टर आदित्य राज, इलाके में खुशी का माहौल। करीब 25 वर्षों से MBBS की राह देख रहे APSC ढोलबज्जा को आखिरकार एक MBBS डॉक्टर मिल ही गया। या तो कि ढोलबज्जा अस्पताल की स्थापना 1957 ईस्वी में प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण कुमार केसरी के कार्यकाल में हुआ था। इसके पहले अस्पताल का नाम राजकीय औषधालय ढोलबज्जा था, जहां 1995 के बीच करीब 4 MBBS डॉक्टर में डॉक्टर सुमन, डॉक्टर पी कुमार, डॉक्टर RR झा, डॉक्टर चौधरी एवं डॉक्टर परवेज आलम थे। इसके बाद आयुष चिकित्सकों के भरोसे ही अस्पताल चल रहा था। अंतिम में 25 वर्ष बाद नवगछिया PSC प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार के अथक प्रयास पर ढोलबज्जा APSC में एक MBBS के रूप में आदित्य राज को हर दिन की देखरेख में प्रतिनियुक्त किया गया है, जिससे इलाके में काफी खुशी का माहौल दिखा। बीते मंगलवार को MBBS आदित्य राज ने ढोलबज्जा अस्पताल में अपना योगदान भी दे दिया है। योगदान के बाद नवगछिया PSC प्रभारी वरुण कुमार ने भी बुधवार को ढोलबज्जा अस्पताल पहुंचकर वहां का जायजा लेते हुए ग्रामीणों के साथ एक बैठक की, जहां अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए घेराबंदी, स्वास्थ्य लाभ से संबंधित सभी उपकरणों को ठीक कराने, खरीदने व बागवानी सहित कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस अवसर पर मुखिया राजकुमार, उप मुन्ना मंडल, आयुष चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र कुमार, सेवानिवृत्त लिपिक उमाशंकर जायसवाल, ANM अनिता कुमारी, सोल्टी जायसवाल, आशा कार्यकर्ता बबीता देवी, अवधेश चौधरी, समाज सेवी विनीतानंद, प्रदीप साव, मेघनाथ मेहतर के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। गोपालपुर, शिविर के पहले दिन नहीं पहुंची कोई मुस्लिम परित्यक्ता। बिहार सरकार के निर्देश पर गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की पहचान हेतु शिविर के पहले दिन एक भी मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा नहीं पहुंची। बताते चले कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु एक मुफ्त 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। उक्त जानकारी BDO प्रियंका ने दी। नवगछिया, 36 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। प्रवक्ता पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर में थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद अब्दुल रशीद शामिल है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान दोनों के पास से 750 ml का 36 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। प्रवक्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जमुनिया गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना के आलोक में पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान
पुलिस ने जमुनिया गांव से दोनों तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके साथ शराब भी बरामद किया है। शराब बरामदगी के बाद शराब को जब्त करते हुए मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष ने कहा कि गिरफ्तार दोनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया, शराब पीकर हंगामा कर रहा युवक गिरफ्तार। शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को परबत्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक परबत्ता थाना क्षेत्र के खगड़ा निवासी मृत्युंजय सिंह है। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी कि मृत्युंजय सिंह शराब पीकर घर पर हंगामा कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृत्युंजय को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया में चौथे दिन इंटर की परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न। नवगछिया में 6 केंद्रों पर चल रही इंटर की परीक्षा के चौथे दिन गुरुवार को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई। दोनों पालियों में हुई परीक्षा में कुल 4326 परीक्षार्थी में से 4265 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कुल दोनों पालियों में कुल 61 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित थे। बताते चलें कि प्रथम पाली में हुई अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 1190 परीक्षार्थी में से 1179 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी एवं 11 अनुपस्थित थे। वहीं द्वितीय पाली में हुई इतिहास विषय की परीक्षा में कुल 3136 परीक्षार्थियों में से 3086 ने परीक्षा दी एवं 50 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। वहीं चौथे दिन की हुई इंटर की परीक्षा के दौरान SDO अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार सभी केंद्र पर चल रही परीक्षा का घूम घूम कर जायजा ले रहे थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि गुरुवार को दोनों पालियों में हुई इंटर की परीक्षा सभी केंद्र पर कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की
विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।